नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। यूक्रेन में रूस की सेना भीषण जंग लड़ रही है। पिछले 3 दिनों में रूसी मिसाइलों ने कीव और खार्किव को तबाह कर दिया है। यूक्रेन का खेरसोन शहर अब रूस के कब्जे में है, लेकिन इस लड़ाई में यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी भारी नुकसान हो रहा है। अब खबरें आ रही हैं कि रूस के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी आंद्रोई सुखोवेत्स्की की इस लड़ाई में मौत हो गई है। यूक्रेन की ओर से न सिर्फ सेना बल्कि 20,000 से ज्यादा लोग इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें जेलेंस्की ने हथियार दिए हैं। पूर्वी यूरोप के मीडिया प्लेटफॉर्म नेक्स्ट्रा ने ये दावा किया है। मेजर जनरल आंद्रोई सुखोवेत्स्की की मौत रूसी खेमे में पहली हाई रैंक अधिकारी की मौत है और ये पुतिन की सेना को एक बड़ा झटका है। पिछले गुरुवार को शुरू हुई जंग को अब 8 दिन पूरे हो चुके हैं। जाहिर तौर पर ये लड़ाई वैसी नहीं रही जैसा पुतिन ने सोचा था। दोनों ही सेनाएं एक दूसरे को गहरी चोट पहुंचाने का दावा कर रही हैं। बुधवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा अब तक यूक्रेन के 498 सैनिक मारे गए हैं और 1597 घायल। मेजर जनरल इगोर कनाशनकोव ने इन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें रूस को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। मेजर ने जो आंकड़े साझा किए वो रूसी रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों से बेहद ज्यादा थे। कनाशनकोव ने कहा कि 2,870 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और करीब 3,700 घायल हुए हैं, जबकि 572 अन्य को बंदी बना लिया गया है। इससे पहले विभिन्न पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने दावा किया था कि इस युद्ध में अब तक 5,000 से ज्यादा रूसी सैनिक बंदी बनाए जा चुके हैं या मारे गए हैं। अधिकारी ने कहा कि यूक्रेनी बलों ने बड़ी संख्या में रूसी विमानों, टैंकों और कुछ रक्षा प्रणालियों को मार गिराया है। सोमवार से रूसी सेना ने खार्किव और कीव पर भारी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।